प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो आपने शायद सवाल पूछा था कि जहाँ जहाँ कानून व्यवस्था ढीली हुई है उस पर सरकार पूरी तरह निगाहें रखे हुई है, और चाहे वो सांप्रदायिक की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा हो, चाहे फायरिंग हुई हो, चाहे वो जेल ब्रेक जो हुआ अलवर के अंदर, ये सब सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। लेकिन हमें और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीद हम लोगों से है, और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अहम हिस्सा है गवर्नेंस का, उस पर हमें पूरी तरह काम करना चाहिए। अगर कोई कमी नहीं है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन एक सुरक्षा के वातावरण में निर्वहन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए, और सरकार को गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। गांधी जी ने बैठक बुलाई है, महात्मा गांधी जी का 150वें वर्ष की जो प्रिपरेशन हैं उस पर मीटिंग होगी, प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप के बारे में हम लोग एक रिव्यू करेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं हम लोग अपना कैसे कैसे काम करेंगे, तो एक अच्छी मीटिंग है। देश भर के प्रदेश अध्यक्ष में जाएंगे, और सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष बनी है, उसके बाद उन्होंने पहली मीटिंग बुलाई है, मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और कुछ अच्छे निर्णय इस मीटिंग के साथ सामने आएंगे। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.